Hello dear students! In our last class we discussed about present simple tense and I hope you all are able to understand. And children today we will learn about present continuous tense. So let's begin. Read the following sentences carefully. Rima is playing basketball. The boys are shouting in the class.

Is playing, are shouting, am reading, is raining, are studying. All these are verbs and they are written in present continuous tense. What is present continuous tense? When we use it? Present continuous tense is used to talk about something that is happening now. और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं जब हम uh, उस काम के बारे में बात कर रहे हों जो अभी हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल वट आई एम डूइंग आई एम टीचिंग यू वट आर यू डूइंग

प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं ओके okay, अब हमें ध्यान से देखना है कि हम इज का यूज़ कहाँ करेंगे एम का यूज़ कहाँ करेंगे और आर का यूज कहाँ करेंगे ओके चिल्ड्रन सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द यूज ऑफ इज़, एम एंड आर किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमें हेल्प करता है ये पहचानने में कि कहाँ पर इसका यूज़ होगा कहाँ पर एम का और कहाँ पर आर का तो सब्जेक्ट क्या होता है डूअर ऑफ़ द एक्शन काम को करने वाला पर्सन जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं ओके okay? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इज एम आर का यूज़ करते हैं सो नाउ सी वी यूज़ एम विथ आई आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर् प्लस आई एन जी ओके एंड वी ऑलवेज यूज इज विथ ही शी और इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या फिर सेंटेंस में ही शी और इट सब्जेक्ट होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर् प्लस आई एन जी आपने आई एन जी लगाना नहीं भूलना है और आर का यूज़ हम कब करते हैं जब हम सेंटेंस में डब्ल्यू का यूज़ करें सॉरी वी का यूज़ करें या यू या फिर दे का या फिर हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है बहुवचन होता है तो हम आर का यूज़ करते हैं देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई ओके नाउ सी द ए एग्जाम्पल्स चिल्ड्रन सी रीमा इज प्लेइंग बास्केटबॉल यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है रीमा रीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहाँ पर इज प्लेइंग लगाया ओके नेक्स्ट बॉयज़ आर शाउटिंग इन द क्लास हेयर सब्जेक्ट इज प्यूरल सब्जेक्ट क्या है बॉयज़ यहाँ पर हम बहुत सारे बॉयज़ की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर आर प्लस आई एन जी का यूज़ किया आई एम रीडिंग अ नॉवल यहाँ पर आई है सब्जेक्ट इसलिए हमने एम लगाया प्लस वर्ब के साथ आई एन जी नेक्स्ट इट इज रेनिंग आउटसाइड हेयर सब्जेक्ट इज इट सो वी हैव यूज इज इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आई एन जी रेखा एंड वृंदा आर स्टडिंग अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखें यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है क्योंकि हम यहाँ पर रेखा और वृंदा दोनों की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया दैन फर्स्ट फॉम ऑफ वर्क प्लस आई एच ओके आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ नाउ ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज वर्क ऑफ दिस चैप्टर ऑन योर ओन i will send answer key in the evening so you can tell your answers from it thank you